हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ फॉर्मल अप्रिशिएशन लेटर। तो आज हम एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे जिसमें हम किसी चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, मीन किसी चीज़ की प्रशंसा करेंगे। यू हैव स्टेड इन अ होटल फॉर टू डेज, राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू द मैनेजर ऑफ द होटल, मैंशन डेट्स यू स्टेड देयर, अप्रिशिएट द सर्विस, फूड एंड द एटमोसफियर, ऑल्सो सजेस्ट एन इम्प्रूवमेंट। तो आप एक होटल में रुके हो जहाँ का जो आपका एक्सपीरियंस रहा बहुत गुड रहा है, तो आपने उसी होटल के मैनेजर को एक अप्रिशिएशन लेटर लिखना है जिसमें ये तीनों बुलेट पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे। देन लेट्स स्टार्ट विद अ सैल्यूटेशन। तो सबसे पहले क्या है बेटा, ये फॉर्मल लेटर है। तो हम इस होटल में पहले रुक चुके हैं, हमें पता है कि उसका होटल का जो मैनेजर है वो एक जेंट्स है, मेल है। तो हम लिखेंगे डियर सर, अगर हमें पता है कि वहाँ का जो मैनेजर है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं, जो रेसिपिएंट है वो एक फीमेल है, तो हम डियर मैडम लिखेंगे। डियर सर, फर्स्ट बीपी में आप अपनी इंट्रो दोगे और अपने लिखने का मोटिव बताओगे। आई स्टेड इन योर होटल फॉर टू डेज, दैट इज़ फॉर मार्च 2020 एंड 2021। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई राइट दिस लेटर टू लेट यू नो ऑफ माई अप्रिशिएशन फॉर द सेम। ठीक है बेटा, आपने पहले बुलेट पॉइंट को भी इसमें क्लियर कर दिया, आपने डेट मैंशन करनी थी, ठीक है ना, वो भी आपने मेंशन कर दी, अपनी इंट्रो भी दे दी हुई, आप कौन हो, आप उस होटल में 2 दिन के लिए रुके थे, और लिखने का मोटिव भी बता दिया। तो नेक्स्ट बीपी में आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट वाला जो बुलेट पॉइंट है उसको एक्सप्लेन कर रहे हो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट एक्सप्रेस माई एडमायरेशन फॉर द फूड दैट अट्रैक्टेड मी द मोस्ट। तो सबसे पहले आपके होटल में जो मुझे फूड प्रोवाइड किया गया वो उसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। द फूड वॉज स्क्रम्पशियस, मीन्स बहुत टेस्टी था। वट एवर स्पेसिफिकेशन आई गेव टू द वेटर अबाउट माई मील्स, लाइक प्योर वेजिटेरियन, लेस स्पाइसी, लेस ऑयली, वर स्ट्रिक्टली फॉलोड। तो जिस तरह की इंस्ट्रक्शन मैंने दी थी फूड के लिए वो उसे पूरी तरह फॉलो किया गया। आई हैव नेवर टेस्टेड वेजिटेरियन फूड लाइक दैट बिफोर, इस तरह का वेजिटेरियन फूड तो मैंने पहले टेस्ट ही नहीं किया था। टू एड टू द एक्सपीरियंस द सर्विस रेंडर्ड बाई योर स्टाफ, और आगे अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो आपकी स्टाफ ने जो सर्विस प्रोवाइड की मुझे, सर्विस रेंडर्ड की, वो बताना चाहूँगा। द रिसेप्शनिस्ट, द बेल बॉय, द वेटर, ऑल वर वेल बिहेव्ड, पोलाइट एंड फ्रेंडली। तो सारा स्टाफ बहुत बहुत अच्छा था। दे प्रोवाइडेड सर्विसेज विद इन नो टाइम विद अ स्माइल, वो जल्दी जल्दी से सर्विस प्रोवाइड करते थे और उनके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी, उकताते नहीं थे वो किसी चीज़ से। ठीक है, ये नहीं कि हमने पानी का ग्लास मांगा और उसे 15-20 मिनट लग गए, नहीं, तो वो जो भी सर्विस थी वो जल्दी जल्दी प्रोवाइड करते थे। अनदर फीचर वर्थ मेंशनिंग वर द डिज़ाइन ऑफ द इंटीरियर विच प्रोवाइडेड अ ग्रेट डाइनिंग एक्सपीरियंस विद लार्ज ग्लास विंडोज प्रोवाइडिंग अ व्यू ऑफ द सिटी। तो आगे वाला एक मेंशन करने की बात क्या है, जो इंटीरियर था, मींस आपके जो होटल का इंटीरियर था उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा था, जो कि बहुत अच्छा ग्रेट डाइनिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और चारों तरफ जो शीशे की विंडोज़ लगी हुई थी उसके बाहर हम बाहर की सिटी का व्यू देख पाए। इसके अलावा देखो, द सॉफ्ट लाइटिंग एंड लाइट म्यूजिंग वर जस्ट राइट टू गिव अ मेमोरेबल एम्बियंस। तो जो उसका सॉफ्ट म्यूज़िक था, हल्की हल्की लाइटिंग थी, तो उसने भी बहुत ही अच्छा एक मेमोरेबल एम्बियंस, मेमोरेबल एटमोसफियर बना दिया। एम्बियंस का मीन होता है एटमोसफियर। आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड योर होटल टू अ फ्यू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ माइन, मैं अपने कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पहले ही आपका होटल रिकमेंड कर चुका हूँ। एट लास्ट आई विश टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर्स, यू शुड ऑफर सम डिस्काउंट। लास्ट में मैंने सुजेशन दी है, जैसे कि हमारे बुलेट पॉइंट में कहा गया था, थर्ड बुलेट पॉइंट में, कि आप न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ ऑफर, डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए। योर्स फेथफुली, तो फॉर्मल लेटर है, लास्ट में फेथफुली लिखोगे, मी सिंसियरली, जाम विद लव, विद रिगार्ड, कुछ नहीं लिखोगे। योर्स फेथफुली, सुरमन सिंह जौहर, नीचे अपने सिग्नेचर हो गए। इसमें आपने कोई कंट्रैक्शन का यूज़ नहीं किया, इडियम और फ्रेसेस का यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।